हेलो गाइस, अगर आपको भी अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर टेक्निकल इशू बताता है जब भी आप किसी को पैसे सेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन पैसा यहाँ पे सेंड हो नहीं रहा है, टेक्निकल इशू बताता है, देयर इज अ टेक्निकल इशू एट यूर बैंक की इशू या प्रॉब्लम आ सकता है। सो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक्निकल एरर या फिर टेक्निकल इशू बता सकता है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो ये टेक्निकल इशू होता क्या है और ये जो आपका अमाउंट है वो सेंड नहीं हो रहा या फिर अगर आप बैलेंस चेक करते तो बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा है। सो इसका जो रीज़न आता है वो सिंपल सा रीज़न यही होता है कि आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक होती है वो जो है अपग्रेड हो रहा होता है, मतलब उसमें कोई नई फैसिलिटी या फिर सर्विस ऐड हो रही होती है या फिर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो है कोई नए अपडेट आने वाले होते हैं। तो होता है ये कि कुछ टाइम तक आपका बैंक जो है थोड़ी देर के लिए सर्वर अपना पूरी तरह से बंद रखता है, 1 से 2 घंटे के लिए आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने से स्टॉप कर देता है। इससे पहले जो है जब भी ये प्रोसेस होता है उससे पहले आपको मैसेज करके या फिर ईमेल करके जो है बता दिया जाता है इस टाइम जो है बैंक का सर्वर बंद रहने वाला है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये 1 से 2 घंटा या फिर कभी कभी 3 से 4 घंटा भी लग जाता है लेकिन मिनिमम यहाँ पे जो है 4 घंटे के अंदर आपका ये ठीक हो जाएगा। सो आपको बस वेट करना है और 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा से आप यहाँ पे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक पे आइए। यहाँ पे चेक बैलेंस पे ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं अभी आपका यहाँ पे जो है एक्टिव हुआ है या नहीं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।